की जननी संस्कृत भाषा में बनी पहली फिल्म अहम ब्रह्मास्मि का प्रीमियर वाराणसी में किया गया। फिल्म के माध्यम से संस्कृत को फिर से आम लोगों की भाषा बनाने की बात कही जा रही है। धर्म और अध्यात्म की नगरी वाराणसी में संस्कृत भाषा में बनी फिल्म अहम ब्रह्मास्मि का प्रीमियर किया गया। ये पहला मौका है जब बड़े पर्दे पर मल्टीप्लेक्स में संस्कृत भाषा की फिल्म का प्रीमियर हुआ है। इस फिल्म का ज्यादातर हिस्सा वाराणसी और प्रयागराज में फिल्माया गया है। प्रीमियर देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे हुए थे। संस्कृत प्रेमी मानते हैं कि इस फिल्म के आने के बाद संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिलेगा। ये बहुत अच्छी पहल है और इसमें हर तरह के लोग मैं देख रही हूँ, जो बहुत से संस्कृत से केवल थोड़ा सा जुड़े वो लोग भी एक आकर्षण से आए कि संस्कृत में कुछ हो रहा है, तो वो उसके प्रति लोग आकृष्ट होंगे और बहुत अच्छी पहल है ये। संस्कृत में पहली फिल्म है भारत के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि संस्कृत भारत का सबसे प्राचीन भाषा है। जितना ये समाज में इसकी उपयोगिता है, उपयोगिता के हिसाब से इसका विकास नहीं हुआ है, हम तक पहुंचे नहीं है, अंतिम व्यक्ति तक समाज के पहुंचा नहीं है। संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है, इसलिए इसको लोग आसानी से समझ भी सकेंगे, तो उनको आसानी समझने में दिक्कत नहीं होगी। जब समझेंगे तो फिर धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ेगी। ये फिल्म भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के जीवन और दर्शन पर आधारित है। फिल्म में खासियत ये है कि फिल्म पूरी तरीके से संस्कृत पर बनाई गई है और संस्कृत भाषा का प्रयोग भी किया गया है। इस फिल्म में देशभक्ति को दर्शाया गया है और चंद्रशेखर आजाद की जीवनी को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। खासतौर पर वाराणसी में जो लोग हैं वो मानते हैं कि इस फिल्म में जहाँ एक तरफ संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं देवभाषा संस्कृत एक बार फिर से युवाओं के बीच भी लोकप्रिय होगी। फिल्म के प्रोड्यूसर आजाद फिल्म के जरिए विश्व में मानवता का संदेश देना चाहते हैं कि संस्कृत को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए हमने अहम ब्रह्मास्मि में निर्माण किया है। आज का दिन भारतीय सनातन भारत के लिए गौरव का दिन है। परंपरा सभ्यता को मजबूती देगी, जो भी कमियां जाने भारत में रही है अहम ब्रह्मास्मि दूर करेगी। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, लिहाजा इस फिल्म से संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिलेगा, ऐसी उम्मीद संस्कृत प्रेमी कर रहे हैं। सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। मथुरा के सुरीर थाने में दंपत्ति के आत्मदाह मामले में पुलिस ने